फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं पनीर। बाजार में वैसे तो पनीर बहुत ही आसान से मिल जाता है, लेकिन आज हम घर में बाजार जैसा ही सॉफ्ट पनीर बनाएंगे। जी हाँ, सॉफ्ट एंड जूसी पनीर। तो चलिए आज हम बनाते हैं मार्केट जैसा पनीर। पनीर बनाने के लिए हमें जो सामग्री लगने वाली है वो इस तरह है। मैंने ये 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया हुआ है। ये इसमें जो फैट कंटेंट है वो 6.5% है। ये आपको इसलिए कहीं भी मिल जाएगा। अगर आपको ये दूध नहीं मिलता है तो आप भैंस का दूध भी यूज कर सकते हैं। विनेगर किसी भी किराने शॉप में मिल जाएगा। कॉटन का कपड़ा पनीर छानने के लिए और 1 ग्लास पानी विनेगर मिक्स करके दूध फाड़ने के लिए। और हमें चाहिए ठंडा पानी। ये मैंने फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दिया था ठंडा होने के लिए। ये हम पनीर फाड़ने के बाद उसको धोने के लिए यूज करेंगे। सबसे पहले हम एक पतीला लेंगे और उसमें जो दूध है हम उसको कट करके डालेंगे। ये मैंने 1 किलो दूध लिया है। गैस को चालू करेंगे। गैस चालू करने के बाद आप बीच बीच में दूध को हिलाते रहिए ताकि उसमें मलाई ना पड़े। देखिए, ये दूध में उबाल आ चुका है। जैसे ही दूध में उबाल आता है हम गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद आपको दूध इसी तरह गैस में 2 मिनट के लिए ठंडा करना है। 2 मिनट बाद ही आपको पनीर फाड़ना है, क्योंकि अगर आप पहले फाड़ोगे गर्म दूध में विनेगर या नींबू के रस से, जिससे भी आप फाड़ना चाहते हो फाड़ोगे, तो आपका जो पनीर है बहुत हार्ड निकलेगा। इसलिए आपको 2 मिनट वेट करना है, इसके बाद ही पनीर फाड़ना है। जब तक हमारा दूध ठंडा हो रहा है तब तक हम अपना विनेगर और पानी को मिक्स कर लेते हैं। ये पानी है और इससे मैं 3 से 4 चम्मच विनेगर के डाल रही हूँ। और अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। जैसे ही 2 मिनट हो जाते हैं हम धीरे धीरे ये पानी दूध में डालेंगे और बहुत ही हल्के हाथों से हिलाएंगे ताकि हमारा छेना खराब ना हो। फिर थोड़ा पानी डालेंगे, फिर हिलाएंगे, फिर थोड़ा पानी डालेंगे, फिर हिलाएंगे। ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक आपका छेना फट नहीं जाता। ये देखिए, हमारा छेना फट गया है। हमारा छेना प्रॉपर फटा है कि नहीं फटा ये आपको कैसे पता चलेगा? जब पूरा छेना अलग हो जाएगा और इसमें जो पानी दिख रहा है वो आपको एक ग्रीन कलर का पानी दिखेगा, तब आप समझिएगा कि आपका परफेक्ट छेना फटा है। अभी ये पनीर नहीं है, अभी ये छेना है। पनीर बनाने के लिए हम प्रॉपर उसको शेप देंगे। जैसे ही पनीर फट जाता है वैसे ही हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाए। ये वही पानी है जिसको मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। और थोड़ा हिलाएंगे। अब हम पनीर को 1 कपड़े में छान लेंगे। ये देखिए, पनीर अच्छी तरह निकल गया है, पूरा सॉफ्ट है। अभी ये छेना है, अभी इसको हम शेप देके पनीर बनाएंगे। ये अच्छी तरह हम इसको निचोड़ लेंगे। एक्स्ट्रा पानी जो भी है वो बाहर कर देंगे।
एक्स्ट्रा पानी इसका निकाल लिया है। अब पनीर को एक किसी वजनदार बर्तन से दबा के शेप देंगे। अब हमने जो पनीर निकाला है उसको ऐसी समतल जगह में ऐसे रख के और अच्छी तरह दबा के उसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और उस प्लेट के ऊपर एक वजन रखेंगे जिससे हमारा पनीर अच्छी तरह सेट हो जाए। आप ऐसा वजन रखने के बाद आप एक घंटे के लिए पनीर को ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब पनीर को रखे हुए एक घंटा हो चुका है। अब हम इसका वजन हटाएंगे और पनीर देखेंगे कि हमारा पनीर कितना सेट हुआ है। ये देखिए हमारा पूरा पनीर सेट हो चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह कट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए बन गया हमारा होममेड मलाई पनीर, है ना कितना सॉफ्ट। अब इसे आप कोई भी पनीर की सब्जी बनाइए, स्वीट्स बनाइए और सबको खिलाइए। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।